योगी की मंत्री का राहुल और प्रियंका गांधी पर तंज। हाथरस प्रकरण पर बोलते हुए योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर राजनीति कर रहा है और जहां तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पॉलिटिकल टूर पर निकले हैं वो राजस्थान नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार जो है। मैं तो ये निवेदन करता हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कि इस दुर्दायी प्रकरण को राजनीति चश्मे से देखना बंद करें। यह हमारी माताओं और बहनों से जुड़ा मामला है जो बेहद दुखद है और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। रात में हुए अंतिम संस्कार पर कहा कि सब कुछ परिवार की सहमति पर हुआ था। ये हो सकता है कि परिवार का कोई सदस्य इससे सहमत न हो। उस दिन भीम आर्मी के लोग और कांग्रेस के लोगों ने धरना प्रदर्शन करके परिवार के लोगों को और बॉडी को बंधक बना लिया था। दिन भर हंगामा चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति के लिए यह सब कर रहे थे। एक बच्ची के साथ इस पूरे मामले में SIT गठित हो चुकी है। सभी दोषियों पर कार्यवाही होगी और जहां तक कुछ लोगों के फोन टेपिंग की बात है तो ये उनके संज्ञान में नहीं है। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है। हाथरस की जो घटना हुई है उस घटना को जिस प्रकार से राजनीति का रूप दिया गया है वो दुखद। लोग इसमें चाहे कांग्रेस के लोग हों या अन्य दलों के लोग हों उन्होंने एक राजनीतिक टूरिज्म के रूप में इस विषय को ले रहे हैं। आपने देखा होगा इसी प्रकार की घटना राजस्थान में भी हुई है। जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ कोई नहीं जा रहा। हाथरस में जो घटना हुई है वो दुखद है लेकिन सरकार की तरफ से जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है वो सरकार ने की है। कुछ विषय को लेकर परिवार के मन में शंकाएं रहीं तो उसके लिए SIT गठित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि जो अधिकारी कर्मचारी दोषी उसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई आपने देखी भी, कार्रवाई भी कर रहे हैं। लोग परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, पार्टी खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और हमने उस परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के बातचीत करके उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने का भी काम किया। लेकिन लोगों को राजनीतिक दृष्टि से चश्मे से लोग देख रहे हैं, मैं इसे दुखद मानता हूँ। और कांग्रेस के लोग चाहे राहुल गांधी जी हों या प्रियंका गांधी हों उन्हें कम से कम राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक चश्मे से इस घटनाक्रम को नहीं देखना चाहिए। आज पूरा देश, पूरा समाज, पूरी हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और माननीय मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। एक तरह के नया प्रचलन हुआ है कि रात में 2-2.5 बजे किसी के अंतिम संस्कार होना, ये सरकार को कहीं इस तरह का पहला प्रकरण है। बिल्कुल, क्या मानती सरकार इसको? आपने देखा होगा पीड़िता का जो दुखद निधन है सुबह 6 बजे हुआ था और सारी कार्रवाई पोस्टमार्टम की और बाकी सब कार्रवाई 10-10:30 बजे तक दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में संपन्न करा ली गई थी। लेकिन भीम आर्मी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने वहाँ अराजकता पैदा करके धरने प्रदर्शन के माध्यम से पीड़िता का शव भी रोका और उसके परिवार को बंधक बना दिया। पूरे दिन वो लोग आंदोलन करे, सब डेड बॉडी नहीं मिली। 11 बजे वहाँ से डेड बॉडी मिली और पूरी रात, मतलब पूरे दिन के बाद परिस्थितियां थीं जिन परिस्थितियों में एम्बुलेंस उनके घर ले जाई गई, परिवार से मिला, परिवार की सहमति से रात में ही दाह संस्कार हुआ है। कुछ लोगों के मन में प्रश्न हो सकते हैं, परिवार के कुछ लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की सहमति थी कि दाह संस्कार रात में किया गया। अगर किसी परिवार के मन में प्रश्न है तो वो SIT के सामने कहें, SIT उसकी जाँच कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो उस पर कार्रवाई। राहुल गांधी कल परसों भी गए थे, परसों भी गए थे, वहाँ हंगामा भी हुआ। आरोप यह है कि कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी साथ मारपीट की गई है। आज फिर राहुल गांधी डंडी पकड़े हैं, किस तरह देखते हैं आप इसको कांग्रेस को? नहीं, अब ये तो मीडिया के लोग सब वहाँ थे, मीडिया के कैमरों से आप लोगों के विषय से कोई बचा विषय नहीं है किस प्रकार से वहाँ घटना हुई। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ राहुल गांधी जी को ये देश समाज से जुड़ा, हमारी माता और बहनों के मान सम्मान से जुड़ा विषय है
और बहुत दर्दनाक घटना हुई है, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्हें परिवार के प्रति उनकी संवेदना नहीं है, राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक चश्मे से देखना इस तरह के घटनाक्रमों को उन्हें बंद करना चाहिए, ऐसा मेरा उनसे निवेदन। इसके अलावा राहुल गांधी की तरफ से जो है लगातार बयानबाजी आ रही है, उनका कहना है यह है कि जो बात सामने आ रही थी कि पीड़ित परिवार के महिलाओं से और पुरुषों से वहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग जो है पीछे ना हटे, प्रियंका गांधी वहाँ पहुँचेगी और उसके बाद में आपको मुआवजा जो है वो दुगना और तिगना करा कर दिया जाएगा, किस तरह की उछल राजनीति कह सकते हैं हम उसको? नहीं, कि तो कांग्रेस की मानसिकता का प्रदर्शक है कि वो इस तरह की घटनाओं में भी राजनीति देख रहे हैं। हम लोगों की दृष्टि यह है कि वो हमारे परिवार की बेटी थी, उसके साथ जो हुआ है वो दुखद है, नहीं होना चाहिए था, हमारे लिए सबके लिए दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी और परिवार के लोगों से वार्ता करते हुए भी पूरा उन्हें आश्वासन दिया है और कहा है सरकार पूरी पीड़ित परिवार के साथ है और पीड़ित परिवार की मांग के आधार पर हमारी उनसे बातचीत भी हुई थी और बैठ के बातचीत में भी जो जो उनकी मांगें थी सारी मांग ली गई हैं। लेकिन कुछ लोग इन सब विषयों में भी राजनीतिक देख रहे हैं, उन्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को भी अपनी स्थिति का एहसास है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक सवाल और उठाया है फोन टैपिंग के बारे में, ये नया है कि फोन टैप किया जा रहा है। मुझे इस विषय की संज्ञान में मेरे कोई विषय नहीं है कि फोन टैपिंग का कोई विषय उन्होंने किस रूप में रखा है, लेकिन हाथरस के विषय में मैं सबसे लोगों से निवेदन करता हूँ, ये बहुत दुखद समय है, बहुत दुखद घटना है और हमें सबको मिलकर उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी आज फिर से वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे लगातार और यही चीज़ पहले देखी गई थी कि पहले उन्होंने जो है जबरदस्ती वहाँ पर गिरे वो, उसके बाद में आज वो फिर से वहाँ पर निकल चुके हैं जबकि फोर्स लगी हुई है, क्या जताना चाह रही है कांग्रेस? क्योंकि राहुल गांधी को जब एक बार पहले से मना कर चुके हैं कि अभी वहाँ पर जा नहीं सकते, फिर भी जो है वो आज जबरदस्ती वहाँ पर करने के लिए खड़े हो गए। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कांग्रेस के पास कोई विषय बचा नहीं, सब लोग जानते हैं वो इस तरह की घटनाओं में अपना भविष्य देख रहे हैं। नेगेटिव राजनीति का स्वरूप उन्होंने खड़ा कर दिया, मेरा उनसे निवेदन है कि ये इस तरह की दुखद घटना है, हम सब लोगों के लिए दुख का विषय है, इस प्रकार की घटनाओं में राजनीतिक उन्हें नहीं करनी चाहिए। हम सब मिलकर पीड़ित परिवार के दुख को साझा करें, यही मेरा उनसे निवेदन है।